ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार ऋषि पंचमी 1 सितंबर को है। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्यवती व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त होती हैं, यानी महावारी के समय हो गए किसी भी चूक या पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि अगर ऋषि पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करके कथा की जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी ने एक दिन ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वो रजस्वला हो गई और उसने सोचा कि वो अब क्या करे। उसने तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, मैं क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को खाने का न्योता दिया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। पड़ोसन ने कहा, तू ऐसा कर, 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। उसने ऐसा ही किया। उसके बाद वो ऋषि ब्राह्मण के घर भोजन करने आए और भोजन करते वक्त उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वो सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण समझ गए और उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया कि श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने तो एक बैल और उसकी पत्नी ने कुतिया के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा बहुत धार्मिक था। एक दिन उस लड़के ने अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। यह देखकर वो बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे, अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, आज तो खीर और पूड़ी खाने को मिलेगी। अपने घर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए और ब्राह्मण के बेटे की पत्नी ने खीर बनने के लिए चढ़ा दी। जब वो किसी काम से बाहर गई तो एक सांप आया और उसने खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में उनकी माँ ने सब कुछ देख लिया और उसने सोचा, सभी ब्राह्मण ये खाना खाने पर मर जाएंगे और इन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए उसने उन्हें इस पाप से बचाने के लिए जाकर उस बर्तन पर मुंह लगा दिया। उस लड़के की पत्नी ने उस कुतिया को ऐसा करता देख लिया और उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में बचा हुआ खाना वो रोज कुतिया को डालती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वो सब खाना बाहर फेंकवा दिया और उस कुतिया और बैल को खाने को कुछ नहीं दिया। इसके बाद सारा खाना फेंक कर सभी बर्तन साफ करके उसने दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन कराया। अब रात हुई और रात के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने को कुछ ना कुछ दे देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिल सका। मैंने तो सांप के विष वाली खीर के बर्तन को इसलिए छुआ कि उनको ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे। इस कारण से उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब उस बैल ने कहा, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी
खेत में दिन भर हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके बेटे ने सुन लिया और वो उनके दुख से बहुत दुखी हुआ। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। ऋषियों के कहे अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके उन्होंने पवित्र नदी के जल से स्नान करा और नए रेशमी कपड़े पहनकर सप्त ऋषियों का पूजन किया और सारा पूजन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप वो दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। ऋषि पंचमी के दिन इस कथा को सुनने का बहुत महत्व है। तो ये थी ऋषि पंचमी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।